नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। 23 अगस्त के दिन शाम 6:04 का वक्त, यानी करीब करीब यही समय होगा जब चांद हमारा होगा। इस वक्त चांद के चारों ओर हमारा लैंडर विक्रम लगातार चक्कर काट रहा है और इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब वो चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज की हम इस रिपोर्ट में आपको इसी चैलेंज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चंद्रयान ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। तेईस अगस्त शाम 6:04, यही वो तारीख है, यही वो पल है जब लैंडर विक्रम सूर्योदय होने के साथ चांद की सतह से अंधेरा छटने के बाद चमचमाते चांद पर सफलतापूर्वक कदम रखेगा। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये समझने के लिए हैं कि उस पल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। यानी लाख चुनौतियां हों, लेकिन ये चंद्रयान 3 है जो हर मुश्किल को पार कर अपनी मंजिल पर हर हाल में पहुंचेगा, क्योंकि लैंडर विक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान भी अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहा है। आज भी चंद्रयान 3 चांद की नायाब तस्वीरें भेजी है। The landing is a very, very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So, but nothing to do with the Russians lander failure. But we have our own system and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई है, खासकर तब जब रूस का मिशन लूना 25 उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। यही नहीं, चंद्रयान 2 से भी सीखते हुए इसरो ने इस मिशन को 100% सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। लैंडर विक्रम के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। लैंडिंग के लिए खास कैमरे और सेंसर लगे हैं। लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाकर 5 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा किया गया है। चंद्रयान 3 में ज्यादा फ्यूल रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो इसे दूर भी ले जाया जा सके। फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। इसरो के मुताबिक चांद के करीब पहुंचना इस मिशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है, चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है। लेकिन आखिरी के 15 मिनट के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 15 मिनट होंगे जब रोवर और लैंडर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षा और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे। यानी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ एक कार्यक्रम में पिछले दिनों पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही उसके सभी सेंसर और 2 इंजन काम करना बंद कर दें। विक्रम के कंधे पर सवार होकर चांद की धरती पर उतरने वाला रोवर प्रज्ञान भी अपने मिशन को शुरू करने के लिए पूरी तरह फिट दिख रहा है। इसके लिए इसरो ने कंट्रोल रूम से एक एक बारीकी पर काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रमा पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के 2 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर चांद की सतह पर टहलेगा। यहाँ न तो कोई GPS होता है, न ही कोई और बड़ी मदद। इसरो के मुताबिक समस्याएं लैंडर की सतह से सही पोजीशन का अनुमान लगाने के साथ शुरू होती है। इसे पथ निर्धारण प्रक्रिया कहा जाता है। अगर ये सही रहती है तो बाकी प्रक्रियाएं आसानी से पूरी की जा सकेंगी। जबकि इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान के मुताबिक चंद्रयान 2 में जो खामियां थी उसे भी ध्यान में रखकर इस बार इस मिशन की सफलता से जोड़ा गया है।
दिस टाइम द सिस्टम इज बिकॉज बेस्ड ऑन द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम चंद्रयान टू सो दिस टाइम द सिस्टम इज गोइंग विथ मोर रगडनेस एंड सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम इट विल बी सक्सेस। भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।